ओके okay. हाँ ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। ओके इंसर्ट टैब में जितने भी ये चीजें हैं, कौन कौन से आपकी यूज की हैं, कौन सी यूज की नहीं है, उनके बारे में। ओके तो बेसिकली क्या है कि जो आपका इंसर्ट टैब में होता है, वो इंसर्ट से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना हाँ है। ठीक है, अब इंसर्ट करने में सबसे पहले लिंक। लिंक मतलब है कि डायरेक्टली आपने सिर्फ एक लिंक को इंसर्ट किया है। हाँ देखो, अब यहाँ पे कैड लिंक भी है और एक इम्पोर्ट कैड भी है। हाँ लिंक है कि ऑटो कैड की फाइल को आपने जस्ट लिंक किया है, हाँ और यस इम्पोर्ट का मतलब है कि आप उसे अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इम्पोर्ट कर रहे हो। हाँ तो वो ही ओके चीजें अलग अलग है। हाँ अगर दो मैं चीज़ रेविट की फाइल को लिंक करता हूं, मान लो मैंने लिंक पे क्लिक किया और मान लो मेरे पास बेसिकली कोई भी एक रेविट की फाइल है, मैं एक रेविट की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ होम प्लान, या कोई भी रेविट की फाइल अगर मेरे पास है यहाँ पे। वन सेकेंड, कंप्लीट होम प्लान, मान लो ये रेविट की फाइल है। हाँ किसी भी एक फाइल को सिलेक्ट करके अगर मैं ओपन करता हूँ, तो ये बेसिकली एक लिंक इंसर्ट होता है जिसपे मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का काम कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, आप अपने आर्किटेक्चुरल वर्क को डिसेबल कर सकते हो, मतलब हाइड कर सकते हो। अब देखो, अगर आप क्लिक करते हो ना, तो आप एक हाँ सिंगल वॉल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपका ये पूरा लिंक सिलेक्ट होगा। ओके इसके ऊपर अगर आप एमईपी का काम जब करोगे, तो आप इन ये जो आपका सारी चीजें हैं, वॉल्स वगैरह, ये सारी की सारी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में दिखेगी। हाँ ये जस्ट एक फाइल को आपने लिंक किया है इसके अंदर, ठीक हाँ ओके ठीक है? तो ये इस है तरीके से काम आती है। ठीक है, तो हमारे आर्किटेक्चर में अभी इनकी हमें नीड नहीं है। आईएफसी फाइल को लिंक करना हो, कैड की फाइल को लिंक करना हो, कोई टोपोग्राफी आपने बनाई है हाँ ऑटो कैड में, उस फाइल को यहाँ पे लिंक करना हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिंक करने के काम आती है। ठीक है, पॉइंट ओके क्लाउड को लिंक करना, कोऑर्डिनेशन, पीडीएफ लिंक करना, लिंक इमेज या मैनेज लिंक, यहाँ पे सारे जितने भी लिंक किए उसको मैनेज हाँ करना हो। हाँ ठीक हाँ है, बेसिकली आर्किटेक्चर में अभी इनका भी इतना यूज नहीं है। एक चीज को यूज कर सकते हैं हम, वो है डिकल। ओके ठीक है, डिकल बेसिकली क्या होता है, मान लो आपके पास वॉल है, कोई भी आपने यहाँ पे वॉल ली, और आपको किसी भी एक वॉल पे पोस्टर लगाना है, अच्छा जैसे मेन्यू कार्ड होता है अगर आप होटल का बना रहे हो, या हाँ कोई हाँ भी जैसे रूम डिजाइन किया और बेडरूम की में आपको एक पोस्टर लगाना है, जी कोई भी इमेज लगानी है, अगर आपने एक टीवी लगाया तो उसकी हाँ आपको एक स्क्रीन दिखानी है, बेसिकली एक प्लेन सरफेस पे एक पोस्टर बना लगा, जी उसके लिए हम डिकैल को यूज करेंगे। ओके ठीक है, अब डिकैल के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए। मैं यहां पे क्लिक करूंगा इंसर्ट पे एंड क्लिक करूंगा प्लेस डिकैल। ओके जैसे ही प्लेस डिकैल पे क्लिक करता हूं, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती ओके है। अभी आपके पास कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं है, तो यहां पे क्लिक करें क्रिएट न्यू डिकैल पे। ओके क्रिएट न्यू डिकैल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा नेम, डिकैल का नेम दो एंड क्लिक कर दो ओके, या आपने डाल दिया मान लो वन या कुछ भी। ओके, ओके ये डिकैल आ गया, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहां से आपको एक इमेज चूज करनी है, यहाँ पे आ रहा है सोर्स इमेज, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद कोई भी इमेज, मान लो आपको कोई भी हाँ इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से किसी भी इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हो, कि आपके पास इतनी इमेज है कि मान लो आपको ये वाली इमेज लगानी है, हाँ सिलेक्ट किया, ओपन करो। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे जितने ऑप्शन है, ब्राइटनेस, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें इमेज के लिए हैं। हाँ इंक्रीज करोगे ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, रिफ्लेक्टिविटी कितनी, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी इमेज की प्रॉपर्टी है जो आप चेंज कर सकते हो। ओके बम्प पैटर्न अगर आपको लगाना है, कलर क्या रखना है, बम्प अमाउंट कितना देना है, ये सारी चीजें इमेज की प्रॉपर्टी है, इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है। अभी इसको क्लिक करके ओके करो, तो आप अगर किसी भी वॉल पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो आप बेसिकली एक डिकैल लगा रहे हो या आपका एक पोस्टर लग गया। बट क्या हुआ, आपको पोस्टर दिखाई नहीं दिया। पोस्टर आपको तब दिखाई देगा जब आप या तो रियलिस्टिक व्यू पे हैं, या फिर आप इसका रेंडर करेंगे तब दिखाई देगा। अब आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो विड्थ और हाइट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, बट विड्थ और हाइट को यहाँ पे इसमें लॉक कर दिया गया, लॉक प्रॉपर्टीज।
तो प्रोपोर्शन है, अगर आप इंक्रीज करते हो तो विड्थ और हाइट इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में ही होगा। ओके, अगर आप लोग को हटा देते हो तो आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो बेसिकली। ओके, इस तरीके से रिसेट करोगे, रिसेट हो जाएगा साइज, लॉक कर सकते हो और आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो विड्थ एंड हाइट। ओके ओके, चलो अब मान लो मेरे को एक और डिकैल चाहिए, तो आप डिकैल पे क्लिक करें, इंसर्ट पे डिकैल, प्लेस डिकैल, और आप क्लिक कर दे तो आपका डिकैल आ जाएगा, बट सेम इमेज आएगी। मान लो मेरे को एक और इमेज चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिकैल टाइप्स पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अभी तो एक है यहाँ पे, आप एक और कर दो, न्यू नेम रख दो, मान लो टू। ओके, न्यू डिकैल आया, सोर्स इमेज पे क्लिक करो, कोई इमेज और चूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। मान लो आपको ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज चूज करनी है, ओपन करो, एंड सेकंड डिकैल आ जाएगा आपका यहाँ पे, ओपन करो। अब ओपन करने के बाद अगर आप प्लेस डिकैल पे क्लिक करोगे तो वो दूसरे वाली इमेज आएगी आपकी, क्लियर है। अब डिकैल टाइप्स पे जाके आप इनको अपने तरीके मैनेज कर सकते हो, कि आपको इस पर डुप्लीकेट क्रिएट करना है, रिनेम करना है, डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हो अपने डिकैल को, ठीक है। यहाँ से लिस्ट में देखना है, थंबनेल में देखना है आपको, लास्ट थंबनेल में देखना है वो देख सकते हो, जिसकी प्रॉपर्टी है सारी सारी आप चेंज कर सकते हो। ओके ओके, तो ये है डिकैल, किसी भी प्लेन सरफेस पे आप इसे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टीवी में लगाना है, तो सबसे पहले तो आपको टीवी चाहिए, तो कंपोनेंट पे जाओ और फैमिली पे जाओ, तो आपको यहाँ पे टीवी दिखेगा, ये रहा जैसे टीवी, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया। मान लो टीवी आपको दीवार पे लगाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टीवी लगाने के लिए यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करें और इसे हाइट दे दे, ऑफसेट फ्रॉम होस्ट, एलिवेशन फ्रॉम लेवल, एलिवेशन मैंने दे दिया यहाँ पे, मान लो 1000 पे लगाना है, तो 1000 हाइट पे आ जाएगा। ओके, इनको मैं सिलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टी को लेवल टू तो कर सकता हूँ इस तरीके से। अब इसमें स्क्रीन दिखानी है, तो बेसिकली मैं इंसर्ट पे जाके डिकैल, प्लेस डिकैल, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपका एक डिकैल आएगा, इसको आप क्लिक करें और यहाँ से आप यूज करते हैं। हाँ, यस, कुछ इस तरीके से, इसको सामने से जाके भी आप इसे चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कहाँ पे प्लेस करना है, तो इस तरीके से आप एक स्क्रीन को यूज कर सकते हो। जी जी, क्लियर है, किसी प्लेन सरफेस पे आप ऐसे कर सकते हो, तो ये होता है आपका डिटेल। ओके, चलो, ओके, डिलीट किया, ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं अब इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट में है सबसे पहले आपका इंपोर्ट कैड। अब कैड की फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी का हमें ध्यान रखना होता है, ये सबसे मेन पार्ट। ओके, क्लिक ऑन इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड पे क्लिक करने के बाद अब आपको कोई भी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करनी हो, मान लो आपका ये फाइल है, आप उस फाइल को सिलेक्ट करो। ध्यान रखें कि जो कैड फाइल है आपका, उसका वर्जन रेविट की फाइल से कम होना चाहिए। ओके, मान लो ऐसा ना करना कि आप रेविट यूज करो 2018 और 2020 की कैड फाइल को इंपोर्ट करोगे तो वो एरर शो करेगा। ओके, ठीक है, हमेशा लोअर वर्जन की फाइल हायर में ओपन हो जाती है, बट हायर वाली लोअर में ओपन नहीं होती। ओके, ठीक है, चलो, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे को ओपन करना है। ओपन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी में सबसे पहले है आपका कलर प्रिजर्व, जो आपके पहले से कलर है एज इट इज रख सकते हो। ओके, अगर आप इसे इन्वर्ट कर दोगे तो आपके कलर इन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। ओके, ठीक है, प्रिजर्व रखा। अब बात आती है लेयर की, अगर आप चाहते हो कि जितनी भी लेयर है सारी की सारी इंपोर्ट हो जाए, तो आप ऑल कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऑटो कैड में किसी भी लेयर को ऑफ किया हुआ है और आप चाहते हो कि ओनली विजिबल लेयर ही इंपोर्ट हो, तो आप विजिबल पे क्लिक करें। ओके, और थर्ड है आपका स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी लेयर आपको बेसिकली चाहिए। ओके, ठीक है, अभी ऑल पे क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट यूनिट्स की। ओके, अगर आपको पता है कि किस यूनिट पे काम किया गया है, तो आप यूनिट चूज कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो आप ऑटो डिडक्ट रख सकते हो। ओके, कि ऑटोमेटिकली वो उसे डिडक्ट करेगा। ओके, डिटेक्ट करेगा। फिर पोजीशन की आपको कैसे रखना है। अब यहाँ पे है ऑटो सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर का मतलब है कि जो ये चार एलिवेशन है इनके बीच में आएगी। ओके, उसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला देगा वो।
जो भी आपकी कंप्लीट ड्रॉइंग होगी उसके सेंटर को सेंटर से मिला देगा, ओरिजन टू इंटरनल ओरिजन करोगे तो उसके ओरिजन को ओरिजन से मिलाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, अगर आप मैनुअल ओरिजन करोगे तो वो ओरिजन पे पिक पॉइंट देगा और वहां से आप मूव करके मैनुअली कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ओके, और फोर्थ है मैनुअल सेंटर, मैनुअली सेंटर पे पिक पॉइंट देगा और आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं रखता हूँ ऑटो सेंटर टू सेंटर। ओके, और किस लेवल पे रखना है आप लेवल वन चूज कर सकते हो एंड क्लिक करें ओपन पर, तो आपका जो प्लान है वो इंसर्ट हो जाएगा और इन चारों के बिल्कुल सेंटर में आएगा। ओके, सेंटर में आने के बाद सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि इसके जो डायमेंशन है ठीक भी है नहीं है, तो आप लीनियर डायमेंशन ले और चेक करें सबसे पहले 230 के अराउंड मतलब सही है। हाँ, MM में हमने चूज किया हुआ है और ये वैसे फिटिंग चीज में बनी हुई थी बट डायमेंशन आपके लिए ठीक है। ठीक है, ओके चलो अब मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ इंपोर्ट कैट, दोबारा ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ ऑटोमेटिकली ओरिजन टू इंटरनल ओरिजन। ओके, अगर मैं आप ओके करता हूँ तो ये देखो कहां पे प्लेस होगा। हाँ, क्योंकि इसका ओरिजन पॉइंट यहाँ पे था। हाँ, क्योंकि जब कैड फाइल थी उसका तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजन होता है। एक्शन वाई के ओरिजन को इसने इसके ओरिजन से ऐसे मिला दिया। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आया ये, इसको डिलीट करता हूं दोबारा से, अनपिन किया डिलीट, दोबारा इंपोर्ट कैड, सेम फाइल सिलेक्ट की और यहां पे करता हूं मैनुअल ओरिजन टू ओरिजन। ओके, मैनुअल सेंटर करूंगा तो मैनुअली आप प्लेस कर सकते हो, इसके सेंटर पे पिक पॉइंट आएगा और आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, और अगर आप करते हो यहाँ पे मैनुअली ओरिजन तो इसके ओरिजन पे पिक पॉइंट आएगा और आप इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। ओके, क्लियर है? क्लियर, उसके बाद फिर आप अपना वर्क जो भी करना है कर सकते हो। ओके, उसके बाद है इंपोर्ट जीबी एक्सएल एम एक्सएमएल फाइल, ये है एनालिटिक्स वाली फाइल होती है कुछ जो एनालिसिस रिजल्ट होते हैं, अभी हमारी इनकी जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं पीडीएफ को इंसर्ट। पीडीएफ, ओके, पीडीएफ को इंसर्ट करो यहाँ पे, मान लो आप कोई भी ये वाला मॉडल है आप ओपन करें, ये वाला प्लान है इस तरीके से आएगा, पेज जितने भी हो यहाँ पे चूज कर सकते हो, रिजोल्यूशन कितना रखना है वो चूज कर सकते हो एंड क्लिक ऑन ओके, तो आप क्लिक करें तो आपका पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब पीडीएफ भी क्या है कि वो स्नैप नहीं करेगा। हाँ, अब ऑटो कैड की तरह आप ये नहीं किया, अब इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, वो उसके पॉइंट्स को स्नैप नहीं करेगा। अच्छा, ये आप एक पीडीएफ यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप अनेबल कर दोगे स्नैप को आप स्नैप करेगा। ओके, अब आप इसको ट्रेस कर सकते हो जैसे ऑटोकैड की फाइल को ट्रेस करते हो। ठीक है, आप हर एक पॉइंट को वो स्नैप करेगा। ओके, कोई भी ड्राइंग हो पीडीएफ की तो हम इसको ट्रेस करके कैड रिविट में इन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये लेटेस्ट वर्जन्स में ही है। अच्छा, लोअर वर्जन में ये नहीं है, तो आप पीडीएफ की फाइल को ऐसे इंसर्ट करके इसको यहाँ पे एनेबल करें और इसे कर लेगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे सेंड टू फ्रंट सेंड टू बैक, ये क्या है कि अगर आप एक और पीडीएफ इंसर्ट करते हो, मान लो कोई भी एक और आपने पीडीएफ इंसर्ट की, यही वाली ऐसे रखें, अब आप देखो ये वाली पीडीएफ ऊपर है और ये वाली नीचे है, मैं इसको चाहता हूं नीचे, ओके, और इसको ऊपर, तो आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेंड टू बैक, ओके, सेम लाइक ऑटोकैड, हाँ सेम फ्रंट और बैक आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे आप पीडीएफ को यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद है इंपोर्ट इमेज। इंपोर्ट इमेज का मतलब है कि कोई भी प्लान में आप इमेज को इंसर्ट करके, मतलब उसको देख के कोई काम करना है, हाँ, या कुछ भी, तो आप इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करें और कोई भी इमेज आप यहां से चूज कर सकते हो, कि मान लो आपने कोई भी इमेज यहां से चूज की, मान लो ये वाली इमेज ली, ओपन की, अब डायरेक्टली आप इस इमेज को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। मान लो आप कुछ प्लान कर रहे हो और उस एलिवेशन को देख के करना है, हाँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करके उस तरीके से डिजाइन कर सकते हो।
ओके क्लियर है, तो आप इस तरीके से इसको चूज कर सकते हो। ओके वेरी नाइस क्लियर है, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट इमेज, और उसके बाद है लोड फैमिली का तो पता ही है। हाँ लोड फैमिली तो पता, लोड ये लोड फैमिली अलग है और ये लोड फैमिली जब हम करते हैं ना ये अलग है, दोनों अलग अलग है। अलग कैसे है, अलग ऐसे है कि ये फैमिली जो आप प्लेस करोगे तो जो आपके सामने वो आप प्लेस कर सकते हो। अच्छा, बट ये वाली फैमिली क्या फैमिली होती है कि मान लो आपने यहाँ पे आगे भी आएगा, मैं ऐसे बता दूंगा आगे। वो वाली फैमिली क्या होती है कि मान लो आप कोई भी चीज यहाँ पे यूज करते हो, जैसे आपने वॉल स्वीप लिया या कुछ भी लिया, जो भी आप यहाँ पे लेते हो, जब आप एडिट टाइप पे जाते हो और जो इसके ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, वो फैमिली इन ऑप्शंस में प्रोफाइल्स को ऐड करने के लिए होती है। ओके, जैसे आपने अभी यहाँ पे कर्टेन वॉल ली थी, ठीक है, और कर्टेन वॉल को लेके जब हम यहाँ पे इसके ग्लास डोर बनाना चाहते थे, हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अनपिन किया, अब यहाँ पे आप देखो वो ग्लास डोर नहीं है, तो हमने क्या किया था, इंसर्ट पे गए थे, लोड फैमिली पे क्लिक किया था एंड डोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे उन ग्लास डोर को हमने मैन्युअली ऐड किया था। अब जब मैंने यहां से इंसर्ट कर दिया, अब इसने क्या किया कि वो आपका लिस्ट के अंदर ऐड हो गया बेसिकली। अच्छा, तो जो प्रोफाइल आपके न्यू प्रोफाइल है उनको आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अब आप इसको एक कर्टेन डोर बना सकते हो, वो लोड फैमिली प्रोफाइल्स को ऐड करने के लिए है। ओके 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 ओके, चलो ये हो गया लोड फैमिली। तो ये फिर लोड एज ग्रुप और ये इंसर्ट फाइल फ्रॉम, ये आपके इतने काम के नहीं है। तो ये था आपका इंसर्ट ऐप, क्लियर है, क्लियर, ठीक है, ओके ओके, एनएफ है। हाँ अगर सही है वो ठीक है, अभी नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्टडी करने के बाद में मैं आपको मैसेज करूंगा। बिल्कुल थोड़ा स्टडी करो आगे, फिर मैं आपको एनोटेट टैब को फिनिश करवाऊंगा। एक वो जो फोटोशॉप का है वो मुझे लिंक भेज देना, क्योंकि मैं कुछ इमेजेस ये कर रहा था। देखो फोटोशॉप के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, आप क्रोम पे जाए, यहाँ पे लिखे गेट इंटू पीसी, ये आपके पास साइट आएगी, आप इस पे क्लिक करें, ये आपके पास इस पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे आपको फोटोशॉप 2021 चाहिए, क्लिक करें, गो पे क्लिक करें, ये आ गया आपके सामने फोटोशॉप, क्लिक करें, नीचे जाएं, इस लिंक पे क्लिक करके तो आप कर सकते हो डाउनलोड। ओके ठीक है, और इसमें नहीं दिया हुआ, आप लोअर वर्जन कर लो, फोटोशॉप 2020 मैंने किया मान लो, ये आ गया अडोब फोटोशॉप सीसी 2020, इसमें आपको ये देता है हाउ टू इंस्टॉल। Okay. तो आप इस पे क्लिक करो तो बेसिकली आपको एक वीडियो दिखाएगा ये। ओके और इस वीडियो को प्ले करोगे तो इसको आपको फॉलो करना है, जो जो ये बोले करने के लिए उसी तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके डन, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ओके 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 सर, थैंक यू सो मच, ओके।